नमस्कार दोस्तों, इस विश्व एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमने 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में गिरावट आ रही है उसमें कैसा आपको मौका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ग्रैब्स करने का, उसके ऊपर चर्चा की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में गिरावट की रीज़न और जो नया न्यूज़ आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और रिलायंस का टेक्निकल चार्ट को हम देखेंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी, जैसे आप जानते हैं, ये हमेशा ही कुछ खास रहती है इनकी बातें, और ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि उनका हर एक मोमेंट आपको सरप्राइजिंग लगता है। अभी Q2 के रिजल्ट आए, और Q2 के रिजल्ट में रिफाइनिंग मार्जिन कम था लॉकडाउन की वजह से, वो एंटिसिपेटेड था, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन एक नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया है, और उसका न्यूज़ कल शाम को आया, और कल शाम को ये न्यूज़ आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आज जंप देखने को मिला, वो आप देख सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, ये लगभग $1.3 बिलियन का निवेश करेंगे, जिसका इंडियन रुपीज में 9,555 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, और उससे 2.04% स्टेक अक्वायर करेगी जो रिलायंस रिटेल का। तो ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि रिलायंस के शेयर 2370 रुपये से 1800 रुपये पहुँच गए थे, और इसमें काफ़ी पैनिक सेलिंग हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसमें घबराहट पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जो दोस्तों, जो कंपनी दमदार कंपनी होती है, उसमें आपको हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और चैनल को नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, और चार्ट में आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये टॉप बना है, और ये टॉप के बाद ये गिरावट आई है लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वीक है। ये 8 वीक में ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये 8 वीक का कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, और ये कैंडल बना है बुलिश पिन बार। अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है, वीक क्लोज हो गया है, ये बुलिश पिन बार बना है। एक प्राइस नीचे आया और वापस पुश किया, और वापस वही रेंज में आ गया जो जिस जोन से गिरा था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये 1800 रुपये का लो बनाने के बाद 2029 पे क्लोज हुआ है। ये चार्ट है, वीकली चार्ट में आपके सामने शो कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट में काफ़ी क्लियर पिक्चर दिखता है, और लॉन्ग टर्म होरिजन से आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लोज हो गया, अगेन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनने के चांसेस है दोस्तों। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, और वो सपोर्ट को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस में सपोर्ट को तोड़ा नहीं है इसमें, इस बात को आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, काफ़ी सारे एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि रिलायंस 900 पहले 900 का लो बनाया था 875 का, और अभी 900 to 1100 के बीच में आएगा करके, ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने बोला गया है। लेकिन हमने आपको क्लियर पिक्चर दिया था, और 3 दिन पहले वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, इसी बीच एक और न्यूज़ आई थी जो आपके साथ शेयर नहीं हुई थी, रिलायंस के ऊपर ही थी, ये निगेटिव न्यूज़ थी, और इसका भी एक रीज़न था कि शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर में गिरावट आई। तो रिलायंस का जो इनसाइडर ट्रेडिंग केस चल रहा था, वो सैट ने डिसमिस किया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी वो जो फाइन लगा था सेबी का जो केस का, वो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। सैट ने इस केस को, रिलायंस ने अपील किया था सैट में, सैट यानी सिक्योरिटीज अपीलिक ट्रिब्यूनल, और वो उन्होंने केस को डिसमिसल किया है। और इस केस में बेसिकली ये था
रिलायंस ने अपना रिलायंस पेट्रोलियम का जो शेयर्स है उसको शॉर्ट करने के लिए 12 कंपनीज को ये अपने साथ लेके एक टाइप का इंसाइडर ट्रेडिंग का मामला था ये। और इस मामला में ये 2000 7 का केस है दोस्तों, और 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम जो बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज हो गई उसमें ये ट्रांजैक्शन के मामले हैं। और इसमें 12 कंपनीज ऐसी थी कि जिसमें रिलायंस ने उसको शॉर्ट करने के लिए कहा और बाद में बाय बैक करेंगे करके, तो इस मामले में ये सुनवाई थी। और रिलायंस ने सेबी का केस था और सेबी ने फाइन लगाया था 447.227 करोड़, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैट में अपना अपील किया था, तो सैट ने इस अपील को रिजेक्ट किया है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये पूरा जो ड्यूज है इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। तो ये नेगेटिव न्यूज़ भी इसी के साथ आई थी, तो इसमें इसकी वजह से भी शेयर में गिरावट के कई सारे चांसेस थे। तो अभी बेसिकली इस नेगेटिव न्यूज़ को ये किया है रिलायंस का PIF ने जो इन्वेस्टमेंट लाया है 2.3% स्टेक बाय करने का, तो वो नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी थी। और ये नया इन्वेस्टमेंट आ गया तो रिलायंस के शेयर में और जंप मारने के लिए एक और अच्छा मौका हो गया। तो रिलायंस के ऊपर हम हमेशा आपको कवरेज देते हैं दोस्तों, और ये एक ऐसी कंपनी, बड़ी कंपनी है इंडिया की, जहाँ पे आप हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ देगा और देते रहेगा। बड़ी कंपनी है जियो, जियो का IPO, रिलायंस रिटेल वेंचर, ये सब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस आपको दिखाएगा। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो अंडर परफॉर्म करा कोविड-19 की वजह से, वो भी से अच्छे से परफॉर्म करने लगेगा। तो इन सब बातों को आपके साथ शेयर किया मैंने आपके लिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिए। और अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।